जिस देश में आया भूकंप वहां पहुंच गई भारत की सेना। लोगों को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा रही है भारत की सेना। उत्तराखंड की डॉक्टर बेटी की हो रही दुनिया भर में तारीफ। मदद करते हुए उत्तराखंड की डॉक्टर बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। ये दो तस्वीरें उम्मीद की तस्वीरें हैं जो सात समंदर पार से आई हैं और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और इन दोनों तस्वीरों में नजर आ रही सेना के अफसर की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। एक तरफ भारतवासी होने के नाते हमें भी गर्व करने का मौका मिला है, क्योंकि अफसर भारतीय सेना के अफसर हैं जिनका नाम बीना तिवारी, जो इस समय उस देश में मौजूद है जहां अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है और उसी देश में बचाव दल के रूप में भारतीय सेना भी पहुंची है। लेकिन इन दो तस्वीरों की कहानी क्या है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल तुर्की और सीरिया में बीते 6 फरवरी को भयंकर भूकंप आया था, जिसमें अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तुर्की की मदद के लिए भारतीय सेना भी पहुंच गई है और सेना ने मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया है। इस ऑपरेशन दोस्त के तहत 50वीं पैरा ब्रिगेड, 7 पैरा फील्ड के अधिकारी और जवान राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये घायलों की हर तरीके से मदद कर रहे हैं। इस टीम में एम्बुलेंस अफसर मेजर बीना तिवारी भी शामिल हैं और इन दिनों वायरल हो रही हैं तस्वीरों में जो महिला अफसर नजर आ रही हैं वो दरअसल बीना तिवारी ही हैं। और इन्हीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुर्की की एक महिला उन्हें गले लगाकर जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रही है। वहीं दूसरी फोटो में बीना एक बच्ची को चेक कर रही हैं। ये दोनों फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और दुनिया भी इनकी तारीफ कर रही है। बीना तिवारी का उत्तराखंड से रिश्ता। खबरों के मुताबिक मेजर बीना तिवारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली हैं और वो 14 डॉक्टर और 86 पैरा मेडिक्स वाली भारतीय सेना की मेडिकल टीम में एकमात्र महिला अधिकारी हैं। मेजर डॉक्टर बीना तिवारी वर्तमान में कर्नल यदुवीर सिंह की कमांड में 60 पैरा फील्ड अस्पताल में एकमात्र महिला अधिकारी के रूप में तैनात है। यहाँ से पहले वो असम में तैनात थी। वहीं अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली के आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। इतना ही नहीं, मेजर बीना तिवारी के दादा भी सेना में सूबेदार थे। बता दें कि तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजिया टेप था। इसके कुछ देर बाद ही उसी दिन 6.4 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। शाम 4 बजे भूकंप का चौथा झटका आया। शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका आया, जिसके बाद देखते ही देखते 28,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई अभी भी लापता है। वहीं राहत की बात यह है कि वहां की सरकार अभी भी राहत और बचाव अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय सेना के जवान पूरी जान लगाकर लोकल प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।